हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। दोस्तों, मैं सागर आज आपको बताऊंगा कि एएलपी साइको का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद कितने कट ऑफ जाएंगे, जिसमें आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा, आप असिस्टेंट लोको पायलट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कितने नंबर आपके बढ़ेंगे, तो किस में से कितने नंबर बढ़ेंगे। तो सीबीटी 2 के जो मार्क्स आए थे आपके पार्ट ए में, या पार्ट ए का जो कट ऑफ निकला था, उसमें कितने प्लस नंबर आएंगे, कितने और नंबर के बाद आपका एएलपी के फाइनल में हो जाएगा। तो आज मैं सब जोन वाइज बताऊंगा कि कितने नंबर आपके बढ़ेंगे और फाइनल मेरिट आपका बन जाएगा। उसके पहले डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स हम लोग कि 10 तारीख को साइको एग्ज़ाम हुआ, तो साइको एग्ज़ाम कैसा था। अगर बात करें फ्रेंड, तो 5 टेस्ट हुआ था, 5 बैटरी हुआ था, जिसमें पहले में मेमोरी टेस्ट था, रेलवे ट्रैक पर आधारित था। तीनों शिफ्टों में फ्रेंड्स सेम पैटर्न आया। पहला था आपका मेमोरी टेस्ट, जिसमें रेलवे पैटर्न था, रेल ट्रैक पैटर्न था। फिर था क्लॉक टेस्ट था फ्रेंड्स। क्लॉक टेस्ट की अगर बात करें तो क्लॉक टेस्ट में जो था वो आपका 20 क्वेश्चन आया था फ्रेंड, जिसके लिए आपको 10 मिनट दिया गया था। मेमोरी टेस्ट की अगर बात करें जो कि रेलवे ट्रैक पे आधारित था, उसमें आपके आए थे 24 क्वेश्चन आए थे फ्रेंड, जिसके लिए आपको 12 मिनट दिया गया था। तो क्लॉक टेस्ट में क्या था, जो पहले शिफ्ट में क्लॉक टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़े इजी लेवल के थे, लेकिन सेकंड और थर्ड शिफ्ट में थोड़े हार्ड लेवल थे, थोड़े लेंदी थे, जिस कारण बच्चों ने थोड़े कम अटेम्प्ट किया है, 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। पहले शिफ्ट में तो मैक्सिमम 18 से 20 अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट बात करें ब्रिक टेस्ट का, तो फ्रेंड्स ब्रिक टेस्ट में सेम था, 5 मिनट में 50 क्वेश्चन था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा बच्चे अगर जिनका नहीं होगा फेल होंगे, वो ब्रिक टेस्ट में फेल होंगे, क्योंकि जब वे टेस्ट मारने के लिए गए थे, प्रैक्टिस करने के लिए गए थे, तो जब एक डायग्राम जैसे आपका ब्रिक का दिया हुआ है, उसमें जो आपका सीक्वेंस था ABCDE में रहता था टेस्ट के दौरान, लेकिन एग्जाम में क्या किया था, वो सीक्वेंस आपका क्या कर दिया था, बदल दिया था। बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या किया, सीक्वेंस को देखा नहीं, उन्होंने समझा कि कंटिन्यू ABCDE होगा, वही समझ के अपना आंसर दे दिया, इवन 50 क्वेश्चन तक वैसे मार दिया। लेकिन जब सेकंड शिफ्ट का बात आया, तो सेकंड शिफ्ट में बहुत सारे कैंडिडेट पहले शिफ्ट के कैंडिडेट ने सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट को बताया कि यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और थर्ड शिफ्ट में तो प्रॉब्लम अधिकतर लोगों को पता चल गया था कि ऐसा है, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे अगर फेल होंगे तो ब्रिक टेस्ट में फेल होंगे। फिर जो आया आपका ऑब्जर्वेशन टेस्ट आया, फिगर प्लेसमेंट टेस्ट, जो कि 7 मिनट में 60 क्वेश्चन बनाना था, और लास्ट था हेक्सागनल टेस्ट, 7 मिनट में 96 क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्या हो रहा फ्रेंड्स, यहाँ टाइमिंग बढ़ाया, 5 मिनट में 96 था जब टेस्ट दिए थे, टेस्ट कैंडिडेट दे रहे थे, तो 5 मिनट में था, यहाँ टाइमिंग बढ़ा दिया। क्यों ऐसा किया, टाइमिंग क्यों आपको ज़्यादा दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ स्क्रॉल करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा था, आपको बार को पकड़ के माउस से खींचना पड़ रहा था, इसलिए टाइम यहाँ ज़्यादा दे दिया है। तो फ्रेंड्स मिला जुला के अगर बात करें, तो जो पेपर लेवल था साइको का इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ जून का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। ये कट ऑफ किस आधार पर बता रहा हूँ, सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था पार्ट ए का, पार्ट ए में आपके जो भी जोन से आपके जितने कट ऑफ आए थे, जितने भी कट ऑफ आए थे, उसमें फाइनल मेरिट बनने के लिए आपके और कितने नंबर उसमें ऐड हो जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि पार्ट ए के 70% मार्क्स को जोड़ा जाएगा, और साइको के 30% मार्क्स को जोड़ के ही हमारा क्या बनेगा, मेरिट बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इजी जोन का बताता हूँ, जैसे कि क्या है, पटना हो गया, अभी भुवनेश्वर में एग्जाम नहीं हुआ है फ्रेंड्स। भुवनेश्वर में फानी जो तूफान आया था, टाइफून आया था, उस कारण इसका एग्जाम कैंसिल हो गया, और इसका रीशेड्यूल हो गया है 21 तारीख को, ठीक है। अब देखिए, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, जम्मू, मालदा, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद की अगर बात करें, तो ये थोड़ा इजी जोन है। आप यहाँ देखिएगा ना कि बहुत कम लो कट ऑफ गया था, मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ था सीबीटी 2 एग्ज़ाम में पार्ट ए में, जिसके बाद आपको साइको एग्ज़ाम दिया गया था। अगर बात करें, और यहाँ बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ ना, वो भी 2 से 3 गुना बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ ज़्यादा चांसेस है कि आपके कट ऑफ में ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। आपके अगर मार्क्स का बात करें, तो यहाँ जिन 3 से 6 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए आपका पटना का अगर 39 गया है, 34 गया, जो भी गया है, तो उसमें प्लस 6 कर दीजिए 40, तो 40 तक आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा, ठीक है, एज एन एग्जांपल दिया है मैंने। अब मॉडरेट जोन का अगर बात करें फ्रेंड, तो मॉडरेट जोन में आपका कोलकाता, बैंगलोर, मुंबई, गुवाहाटी, बिलासपुर, चंडीगढ़ और रांची आएगा। अगर यहाँ बात करें फ्रेंड, तो यहाँ आपका अगर नंबर 5 से मैक्सिमम 8 नंबर तक इंक्रीज होगा, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो सीबीटी 2 के पार्ट ए को क्वालिफाई करने के लिए आपके जितने भी कट ऑफ इसमें निकले थे, उसमें 5 से 8 नंबर आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। उतने अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं या आ जाएंगे, तो आपके फाइनल मेरिट बन जाएंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं रेड जोन का, बात करेंगे थोड़ा टफ जोन जहां की कट ऑफ भी हाई गया था, ठीक है। तो आपका कट ऑफ तिरुवनंतपुरम का बात करें, अजमेर का बात करें, इलाहाबाद, चेन्नई, भोपाल या सिकंदराबाद का बात करें फ्रेंड्स, तो यहां आपका नंबर जो है 7 से 10 नंबर तक आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स अगर बात करें कि अगर मान लीजिए अगर तिरुवनंतपुरम का बात करें, अगर 60 कट ऑफ गया जनरल का, तो उसमें प्लस 10 लेके चलिए कि मेरिट बनने के लिए आपको कम से कम 70 नंबर चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर इतने नंबर आपके आ जाएंगे तो आपका श्योर आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा और आपका आप ALP बन जाएंगे, आपका ALP में असिस्टेंट लोको पायलट में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल भी होगा फ्रेंड्स, मेडिकल के बाद ही फाइनल मेरिट बनेगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए कॉम्पिटिटिव गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।